हम एक वस्तु दिखा रहे हैं इस तरीके की, क्या आपने ऐसी कोई वस्तु अपने आसपास देखी है? हाँ भैया, याद आया, जब हम लोग इस बार सर्कस गए थे तो वहाँ जोकर भी ऐसी ही टोपी लगाया था। हाँ भैया, हमें भी याद आया, हमने चने खाए थे तो चने की पुड़िया भी ऐसी थी। हाँ बच्चों, चने की पुड़िया जो बनाता है चने वाला, या शंकु जो मदारी का टोपी लगाता है, या जोकर, वो इसी आकृति की वस्तुएं होती हैं। इन्हें लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। इस प्रकार की जो आकृति होगी ये लंब वृत्तीय शंकु कहलाती है। ये देख रहे हो, ये क्या दिखाई पड़ रहा है भैया? ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा। हाँ, ये समकोण त्रिभुज है। इसकी जो ए भुजा दी हुई है, नीचे वाली जो भुजा दिखाई दे रही है, ए भुजा, ये त्रिभुज का क्या है? आधार। आधार है। ए भुजा क्या है? लंब। लंब है। हम इस तरीके से इस समकोण त्रिभुज को रखते हैं। जी भैया। जब हमने इस समकोण त्रिभुज को यहाँ ए सिरा स्थिर रखते हैं, इस तरीके से घुमाते हैं, ऐसे ये घुमा रहे हैं, तो बच्चों एक किस प्रकार की आकृति बनती दिखाई दे रही है? ये शंकु की आकृति। शंकु की आकृति दिखाई दे रही है। ये जो हमारा कर्ण है, जब हम धीरे धीरे इसको घुमाते हैं, धीरे धीरे ऐसे घुमाएंगे, तो जो हमारा कर्ण जो आकृति बना रहा है, जी भैया, एक शंकु की वक्र पृष्ठ आकृति को बना रहा है। ये जो है एक वक्र पृष्ठ आकृति बनाता है। जी भैया। और ये जो हमारा आधार है, जी भैया, जब हम इसको घुमाते हैं तो ये एक वृत्तीय समतल बनाएगा। स्थिर रखेंगे, देखो एक वृत्त बन रहा है नीचे। जी भैया। एक वृत्तीय समतल बनाता है। जी भैया। तो जब हम किसी समकोण त्रिभुज को घुमाते हैं तो एक आकृति बनती है, जिसे हम लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। एक किस तरीके की आकृति दिखाई दे रही है? शंकु। शंकु, एक शंकु की आकृति दिखाई दे रही है। जब हमने इस समकोण त्रिभुज को घुमाया था तो ए भाग एक कर्ण था, ए भाग कर्ण है। कर्ण को जब हम धीरे धीरे घुमाते हैं तो ये कर्ण, ये D1, D2, D3 धीरे धीरे ये घूमता हुआ एक आकृति बनाता है। ये आकृति जो है वक्र पृष्ठ आकृति कहलाती है। ये शंकु दिखाई दे रहा है। जी भैया। तो ये समकोण त्रिभुज का जो कर्ण हमने घुमाया था, ये एक वक्र पृष्ठ आकृति बनाता है। ये समकोण त्रिभुज जो ये आधार जो आकृति बनाता है इस तरीके से घुमाने में, जी भैया, एक वृत्ताकार आकृति बनती है जो इस चित्र में दिखाई गई है। ये OD, जी भैया, ए भाग OD है। ए O और D, इसको जब हम घुमाते हैं तो एक वृत्तीय तल बनता है, ये चित्र में दर्शाया गया है। तो ये शंकु का ये आधार है। ये शंकु का आधार कैसा है? समतल, वक्रतल। ये जो शंकु का आधार है बच्चों, ए वक्रतल है। और ये आधार कैसा दिखाई पड़ रहा है? ये वक्र पृष्ठ। ये जो है ये कैसा दिखाई दे रहा है? समतल। ये वृत्त है, एक वृत्तीय समतल है। एक वृत्त दिखाई दे रहा है? जी भैया। एक वृत्तीय समतल है। और ये कैसा दिखाई दे रहा है? वक्र पृष्ठ दिखाई दे रहा है। ये वक्र पृष्ठ है। तो इस शंकु में दो तल होते हैं बच्चों। जी भैया। एक तो ये वृत्तीय तल होता है और दूसरा ये वक्र पृष्ठ होता है। ये शीर्ष है, ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये शंकु रखा हुआ है, ये शंकु का शीर्ष है। जी भैया। जी भैया। ये शंकु का आधार है। जी, आधार वृत्ति होता है। ये शंकु के आधार का केंद्र है। ये क्या है? केंद्र है। केंद्र है। इस केंद्र से यदि हम इस भुजा को मिला देते हैं तो ये वृत्त का एक त्रिज्या बन जाती है। ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या है। तो इस तरीके से ओडी जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। तो इसमें एक शंकु बना हुआ है। ये समकोण त्रिभुज, किसी भी समकोण त्रिभुज को घुमाने से एक शंकु की आकृति बनती है, जिसे हम लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। तो एक लंब वृत्तीय ये शंकु है। ये जो हमें शंकु दिखाई दे रहा था, इसी का ये पार्श्वांकित चित्र है। जो पार्श्वांकित चित्र चित्र में दिखाया गया है, ये हमारी रियल शंकु है, ठोस लंब वृत्ति शंकु है। ये इसका शीर्ष है। इस चित्र में हम देख रहे हैं ये शंकु का
शीर्ष है, ये शीर्ष किससे नोट किया गया, ए से, ए शीर्ष है। ए बच्चों क्या दिया हुआ है, ये शंकु का क्या है, आधार, आधार। ये आधार की आकृति कैसी बनी हुई है भैया, ये कैसी आकृति है, इस पर हम जो घुमा रहे हैं कैसा क्या बन रहा है, ये गोल बन रहा है, एक वृत्त है, इसका आधार एक वृत्त वृत्ताकार है। ए और ए बिंदु दिया हुआ है, ओ दिखाई दे रहा है जी भैया, ए से ओ को जो मिलाने वाली रेखा है वो शंकु की ऊंचाई कहलाती है। ये जो रेखा है क्या कहलाएगी, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो ए ओ क्या हुई, ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, शंकु, शंकु की, ये शंकु की ऊंचाई है। ये ओ और सी एक वृत्त है आधार, ओ और सी को मिलाने वाली रेखा शंकु की क्या कहलाएगी, त्रिज्या, त्रिज्या। तो ये आधार जो हमारा शंकु का आधार है एक वृत्त है, और ओसी जो है वो हमारे शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या है। तो इस लंब वृत्ति हमारा जो शंकु है उसकी एओ जो है वो क्या है, ऊंचाई है। ओ और सी बच्चों क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है। बच्चों जो ए और सी रेखा मिलाई गई है इसको हम शंकु की त्रिरेक ऊंचाई कहते हैं। इसको शंकु की कौन सी ऊंचाई कहेंगे, त्रिरेक ऊंचाई। हाँ बच्चों, ए शंकु की त्रिरेक ऊंचाई है। अब बच्चों इस शंकु को हम देख रहे हैं, हमें मालूम हो गया कि जो हमारा लंब वृत्ति ये शंकु है, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो ऊंचाई है जी भैया। ए बिंदु केंद्र है, इसको यहाँ से मिलाने वाली रेखा जो है आधार की त्रिज्या है, और इस यहाँ से यहाँ तक को जो हम ये दिखा रहे हैं ये जो है ये हमारी शंकु की तिरछी ऊंचाई है। तो ये हमारी जो है वो तिरछी ऊंचाई है। एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, हमें मालूम है कि पाइथागोरस प्रमेय से किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय पढ़िए बच्चों जी भैया। हाँ, तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण पर बना वर्ग होता है वो समकोण त्रिभुज की जो अन्य दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। ए और सी हमारी तिरछी ऊंचाई है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज ए ओ सी में जो हमारा ये शंकु है, ये हमारा जो शंकु है ए ओ उसकी ऊंचाई है, ओ सी त्रिज्या है, ए सी त्रिरेक ऊंचाई है। तो ये समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, समकोण त्रिभुज ये शंकु जो हमारा है जो समकोण त्रिभुज ए ओ सी में, ए ओ सी में कैसा कोण है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी, सी में इसका जो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो एसी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से एसी वर्ग, ए सी, ए सी वर्ग एक कर्ण है समकोण त्रिभुज का, एसी वर्ग, एसी कर्ण ये बराबर होगा एओ वर्ग, एओ प्लस ओ सी वर्ग। बच्चों एसी क्या है, ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई है, त्रिरेक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई है। तो एसी स्क्वायर तिरछी ऊंचाई है, इसको किससे नोट किया गया है, एल से, एल से। तो यदि हम यहाँ एल लिख दें, एल का वर्ग बराबर एओ को किससे दिखाया गया है, एच से, और एच जो है वो हमारे शंकु की क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई है। तो एओ को हम एच से दिखाएं,
ओसी क्या है भैया? त्रिज्या। त्रिज्या इसको किससे नोट किया गया है बच्चों? आर से। आर से तो ये क्या हो गया? ये फार्मूला हो गया भैया। क्या हुआ फार्मूला, पढ़िए इसको। एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ बच्चों, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल शंकु की तिरछी ऊंचाई है जी भैया। एच शंकु की ऊंचाई है। ओसी ये जो है हमारा जो शंकु है उसके आधार की त्रिज्या है। तो एल का स्क्वायर, एल का जो वर्ग है वो बराबर होता है एच के वर्ग के धन आर के वर्ग के। माने एल जो है हमारी तिरछी ऊंचाई है, तो तिरछी ऊंचाई का वर्ग जो तिरेक ऊंचाई है या तिरछी ऊंचाई इसको कहते हैं, तिरेक ऊंचाई, तिरेक ऊंचाई, तिरेक ऊंचाई का वर्ग ये बराबर होगा जो शंकु की ऊंचाई है ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार की जो त्रिज्या है त्रिज्या का वर्ग। तो केवल तिरछी ऊंचाई कितनी होगी? तिरेक ऊंचाई बराबर, तिरेक ऊंचाई बराबर ऊंचाई, तिरेक ऊंचाई ये बराबर होगी जब यहां से हम वर्ग हटा देंगे तो ये हो जाएगी वर्गमूल ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग। अतः बच्चों ये समझ गए होंगे कि हमारे जो शंकु की तिरेक ऊंचाई होती है वो बराबर होगी वर्गमूल का ये निशान लगा हुआ है ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग। तो तिरेक ऊंचाई बराबर वर्गमूल ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग। इस शंकु में कितने पृष्ठ होते हैं बच्चों? दो पृष्ठ। दो पृष्ठ कौन कौन से पृष्ठ होते हैं? आधार। एक कौन सा पृष्ठ कहलाता है? वक्र पृष्ठ। वक्र। एक कौन सा पृष्ठ है? ये भैया वक्र पृष्ठ। एक कौन सा पृष्ठ है? वृत्ति तल। हाँ बच्चों यह भली बात वाई समझ में आ गया होगा कि इसमें दो तल होते हैं, एक वक्र पृष्ठ और एक वृत्ति तल। और इसकी जो तिरेक ऊंचाई है वो बराबर होती है, तिरेक ऊंचाई बराबर ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या के वर्ग का वर्गमूल। अच्छा बच्चों आज हमने तुम्हें बताया, इसके आगे हम अन्य जानकारी देंगे।